जी महोदय का जो आदेश है और जो गाड़ियां यूज होंगी उसके अंदर सर रेगुलर चेकिंग भी करनी है ताकि उसके अंदर कोई अल्कोहल लेके नहीं चल रहा हो, पुलिस थाना के अंदर अवेलेबल कराएंगे और वो सर डिस्कस किया है तो समझ लें कि और पिछले रामनवमी बात दूसरी थी, आपको भी पता है कि इस बार रिस्ट्रिक्शन है, दूसरा है एक रफ, हम लोगों ने रफ करने का मतलब तो कुछ फॉर्मल और एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। आज जो बैठक उपायुक्त महोदय और मेरे द्वारा की गई है वो बेसिकली सभी फील्ड ऑफिसर्स के साथ की गई है कि जो सरकार का गाइडलाइन है उसको पालन करना है। सभी जगह हम लोग सेंसिटिव जगह पे फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। जो रूट चार्ट क्या रहेगा जुलूस का उसको लेकर थाना प्रभारी से डिस्कशन किया गया है, सभी से अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि क्या क्या पालन करना है और डूज और डोंट्स करके उसका अंडरटेकिंग सभी से लिया जाएगा, जिससे अगर कोई उसे वायलेट करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल सोशल मीडिया पे हम लोग रेगुलरली नज़र भी रखते हैं और अभी रामनवमी के समय हम लोग एक्स्ट्रा विजिलेंट हैं। रामनवमी के आगामी पर्व को लेकर पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण तरह से पर्व मनाया जा सके इस क्रम में आज सभी प्रखंड अंचल अधिकारी थानाधिकारी के साथ हमारे और SP साहब के साथ ज्वाइंट मीटिंग की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका क्षेत्र में अक्षरशः अनुपालन हो सके, साथ के साथ जो पदाधिकारी हैं वो अपने क्षेत्र में थाना स्तर पर मीटिंग करके लोगों के साथ इस गाइडलाइन को उन्हें समझा सकें और जो विस्तृत तैयारियां हैं रूट इत्यादि वो सब के बारे में प्रिपरेशन हो सके। ये एक हम लोगों ने फर्स्ट फेज का मीटिंग किया है और हम लोग एक बार अंतिम मीटिंग भी जुलूस से पहले भी करेंगे।